नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा एडमिशन सेशन 2023 से 2024 ऑनलाइन परीक्षा आवेदन एवं टाइम टेबल से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट जारी किए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी अपडेट्स के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इन्फॉर्मेशन टू एक्सटेंड डेट ऑफ एडमिशन 2023, इन्फॉर्मेशन टू फिल ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर फोर शास्त्री थर्ड सेमेस्टर 6 2023, टाइम टेबल फॉर आचार्य फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम 2022, इंस्ट्रक्शन फॉर शास्त्री थर्ड एग्ज़ाम फॉर्म 2023 जैसे महत्वपूर्ण अपडेट जारी किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेट एक्सटेंड के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। कार्यालय आदेश विश्वविद्यालय की प्रवेश सूचना 2023 से 2024 के अंतर्गत विश्वविद्यालय परिसर में संचालित होने वाले विविध पाठ्यक्रमों में शास्त्री आचार्य BA MA योगा BA BSc MA MSc डिप्लोमा ऑनलाइन पाठ्यक्रम सभी कक्षाओं में शैक्षणिक सत्र 2023 से 2024 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों हेतु आवेदन पत्र तथा शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 18/7/2023 से को बढ़ाते हुए बिना विलंब शुल्क के आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि 31/7/2023 तक वृद्धि की जाती है। तो यहाँ पर 31/7/2023 तक हम विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। आवेदन किस प्रकार करना है, इसके लिए हमें एडमिशन फॉर्म 2023, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन फीस एंड इन्फॉर्मेशन फॉर ऑनलाइन कोर्स 2023 जैसे महत्वपूर्ण लिंकों का अवलोकन करना होगा। एडमिशन फॉर्म दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश आवेदन पत्र 2023 से 2024, इस आवेदन पत्र को हम डाउनलोड करेंगे और जो भी पूर्ति है वो कंप्लीट करेंगे। और विश्वविद्यालय में इसे हम जमा कराएंगे विद आवश्यक दस्तावेजों के साथ में। यहाँ पर प्रमाण पत्रों के संदर्भ में जानकारी दी गई है, शपथ पत्र, एंटी रैगिंग शपथ पत्र, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन फीस, विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतर्गत जो फीस का निर्धारण किया गया है केवल राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों के लिए, कोर्स टाइप फीमेल मेल, STSC इनकम टैक्स नॉट गिवन OBC या जर्नल मेल, और यहाँ मेल इनकम टैक्स सर्टिफिकेट गिवन 50,000 OBC जर्नल, इसी तरह 50,000 OBC जर्नल मोर देन एंड मोर देन। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम का नाम दिया गया है, क्लास का, फीस का जो निर्धारण है किया गया है। इस PDF फाइल को भी आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और इसी के साथ में इस वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है जिसकी सहायता से भी आप वेबसाइट पर पहुँच कर भी है आवेदन पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं।
इसी तरह से इंफॉर्मेशन फॉर ऑनलाइन कोर्स 2023। ऑनलाइन कोर्स विश्वविद्यालय में संचालित ऑनलाइन पाठ्यक्रम, नेम ऑफ कोर्स, ड्यूरेशन, सीट्स, क्वालिफिकेशन, फीस, एज, समन्वय या नियोजक। टोटल 26 कोर्स हैं जो ऑनलाइन पाठ्यक्रम के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एंड अदर इंफॉर्मेशन फॉर एडमिशन 2023 से 2024 दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे। पाठ्यक्रमों का नाम यहाँ पर दिया गया है। अब बात करेंगे हम इंफॉर्मेशन टू फिल ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म शास्त्री थर्ड 2023 के बारे में। शास्त्री पाठ तृतीय छठवां सेमेस्टर के विश्वविद्यालय परिसर व संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों के नियमित पूर्व स्वयंपाठी परीक्षार्थियों से परीक्षा 2023 के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र वेबसाइट से भरे जाने का कार्यक्रम निम्नानुसार जारी किया जाता है। तो 24/7/2023 से लेकर 2/8/2023 तक बिना विलम्ब शुल्क, 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ में 3/8/2023 से 10/8/2023, दोगुने विलम्ब शुल्क के साथ में 11/8/2023 से 18/8/2023 तक हम आवेदन कर सकते हैं। फीस भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन की जावे, विश्वविद्यालय द्वारा फीस का भुगतान किसी प्रकार के ऑफलाइन चालान या रेडी चेक, मनी ऑर्डर आदि स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर ऑनलाइन हमें आवेदन करना होगा। टाइम टेबल फॉर आचार्य दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। आचार्य चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा 2022 10/8/2023 से एग्जाम प्रारंभ होंगे। समय दिया गया है प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक का। प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य, विषय या प्रश्न पत्र के बारे में हम जानकारी यहाँ ले सकते हैं। जिन परीक्षार्थियों के पूर्व के बकाया प्रश्न पत्र हैं उन्हें नवीन पाठ्यक्रम अनुसार ही संबंधित बकाया प्रश्न पत्र की परीक्षा दे होगी। इंस्ट्रक्शन वो शास्त्री थर्ड एग्जाम फॉर्म 2023। यहाँ पर महत्वपूर्ण जो इंस्ट्रक्शन से दिए गए हैं, शास्त्री पाठ तृतीय छठा सेमेस्टर परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने संबंधी दिशा निर्देश, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से हम फीस जमा करा सकते हैं। नियमित विद्यार्थियों के लिए 1420 रुपये, पूर्व के लिए 1520 और स्वयंपाठी के लिए 2200 रुपये निर्धारित किए गए हैं।
एडिट का ऑप्शन भी रहेगा। हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। महाविद्यालय परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र विश्वविद्यालय में जमा करवाने से पूर्व अपनी मुहर हस्ताक्षर अंकित कर विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग में जमा कराकर प्राप्ति रसीद प्राप्त करें। महाविद्यालय द्वारा यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि आवेदन पत्र की कंप्यूटर प्रति ऊपर रहे और उसके नीचे कार्यालय प्रति आवश्यक अंक तालिका आदि का संलग्न करें। सब्जेक्ट पेपर कोड लिस्ट ए ग्रुप बी ग्रुप शास्त्री आचार्य समता प्राप्त महाविद्यालय परीक्षा 2023। नवीन महाविद्यालय है कोटा और भरतपुर में। आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, इनका हम अवलोकन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है तो यहाँ पर लिंक दिया गया है, लिंक फॉर ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म, परीक्षा की जो एग्जाम फॉर्म है उनके लिए यहाँ लिंक दिया गया है। इस लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अपडेट एग्जाम फॉर्म 2023 और मेन एग्जाम फॉर्म 2023 का लिंक मिलेगा। नोटिफिकेशन यहां से हम डाउनलोड कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए लिंक दिया गया है मेन एग्जाम फॉर्म 2023, दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा। सबसे पहले हम कैटेगरी का चयन करेंगे, रेगुलर नॉन और एक्स स्टूडेंट। इसके पश्चात यूजी और पीजी, अंडर ग्रेजुएट, पार थर्ड, इसी तरह से सेमेस्टर के लिए सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से पीजी के लिए यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, जिस क्लास के लिए चालू है वो हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पार्ट थर्ड है, ऑनलाइन पेमेंट है और एग्ज़ाम फॉर्म 2023। लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एंटर रोल नंबर ऑफ एग्ज़ाम 2022 फिल करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करके हम आसानी से एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। रीप्रिंट एग्ज़ाम फॉर्म 2023, यहाँ पर क्लिक करके हम रीप्रिंट भी ले सकते हैं। इसी तरह से अपडेट की बात करेंगे हम, यहाँ पर एग्ज़ाम अपडेट का लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग, मोबाइल फॉर्म फिलिंग और मदर नेम फिलिंग ऑप्शन मिलेगा और यहाँ अपडेट फॉर्म पर क्लिक करके हम आसानी से अपडेट कर पाएंगे। रिजल्ट हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे। जिस पाठ्यक्रम का हमें डाउनलोड करना है उसको यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रोसीड फॉर रिजल्ट। यहाँ पर रोल नंबर फिल करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा बाय नेम एंड फादर्स नेम के माध्यम से भी हम अपना जो रिजल्ट है आसानी से चेक कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। अगर किसी विद्यार्थी का फॉर्म नंबर डुप्लीकेट का एरर दिखा रहा है, कृपया एक बार नो योर चालान या फॉर्म नंबर लिंक पे जाकर के अपनी फॉर्म नंबर चेक कर ले, विद्यार्थी एक बार में एक ही फॉर्म फिल कर सकता है, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। फिर मिलेंगे एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSE with HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।